लोड शेडिंग वजह से ना हमारा दिमाग वैसे ही पलटी खा चुका है। हमने कभी 2 लाख रुपया इकट्ठा भी नहीं देखा है, ये बता रहे हैं हम आपको। आप सियासत में क्यों नहीं आ जाते? नहीं आ सकते। देखिए, हम आवाम का प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जगह जगह कंप्लेन सेंटर खुले हुए हैं। अरे जगह जगह तो मेन हॉल भी खुले हुए हैं। तो अच्छा, विवेक के हाथों से जो जलील होने में मजा है ना, वो तो आप सोच ही नहीं सकते। हमारे दरमियान मौजूद है एक बिजली के डिफॉल्टर, आइए इनसे बात करते हैं। और ये हैं नादहंदगान। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हम अकेला नहीं है ये गुंडागर्दी में, सारा पूरा कराची भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, सारे सब गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं मैं समझ गया। तो लोड शेडिंग वजह से ना हमारा दिमाग वैसे ही पलटी खा चुका है, बहुत दिमाग घूम रहा है हमारा, हम बता रहे हैं। देखिए, बिजली बचाइए, ये हमारा कौमी फर्ज है। 2 पंखा है, 1 मिनी फ्रिज है और 14 इंच का टीवी है, और हमारा बिल 2 लाख रुपए का बिल आया। अरे क्या पागल हो गए आप लोग? क्या हमने कभी 2 लाख रुपया इकट्ठा भी नहीं देखा है, ये बता रहे हैं हम आपको। क्या आप क्या करते हैं? हम फ्रीलांसर हैं, नहीं समझे? अभी हम डांसर कहते ना तो फौरन समझ में आ जाता कि हम क्या कह रहे हैं। हम वजीरों को लेते हैं कि कौन सा वजीर क्या कर रहा है, आपस में क्या गठजोड़ है, कौन सा मिनिस्टर जो है वो दो नेशनलिटी लिए हुआ है, कौन सा बाहर जा रहा है, कौन सा अंदर जा रहा है। जितना लोग है ना सियासतदान, वो पता है आपको, अपने मुल्क से ज्यादा उस मुल्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं जहाँ का नेशनलिटी लिए हुए हैं। हम लोग कितना मुश्किल है। आप सियासत में क्यों नहीं आ जाते? नहीं आ सकते। देखिए, हम आवाम का प्रेशर जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिवाय अपना बीवी का प्रेशर के। हालात काबू से बाहर है भाई, औलाद काबू से बाहर है, रिश्वत काबू से बाहर है, बीवी का जुबान वो भी बाहर है। वैसे बीवी का जो प्रेशर है ना, उसका बात ही अलग है। और जब बीवी के हाथों से जो जलील होने में मजा है ना, वो तो आप सोच ही नहीं सकते। देखिए भाई, बात सीधी सी है, जब आप कुंडा डालेंगे तो बिल तो ज्यादा आएगा ना। कब से कोई बहुत बेवकूफ नजर आ रहे हैं हम। ऊपर से आप हमको, हमारा इंट्रोडक्शन में भी आपने कहा है कि हम नादहंदा हैं। ये जो करोड़ों का नादहंदा हैं और मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं, इनको नहीं पकड़ते आप लोग? उनको नहीं पकड़ोगे हैं? और हमको लगता है ये जो बिजली वाले हैं ना, वो भी उन लोगों से मिले गए, उनको इतना इतना बिल आता है, वो तो माफ हो जाता है। देखिए, ये एक्सिस बिल की जो कंप्लेंट है, ये आपने की थी कहीं पे? आपने देखा होगा कि जगह जगह कंप्लेन सेंटर खुले हुए हैं। अरे जगह जगह तो मेन हॉल भी खुले हुए हैं। तो कंप्लेन सेंटर में आपने फोन किया, कुछ मालूमात की? अरे रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, हम बहुत मसरूफ हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। उसके बाद पता क्या हुआ, हम फिजिकली जाकर लाइन में लग गए। अब फिजिकली लाइन में जब हमारा नंबर आया तो कहने लगे आपकी किस्तें कर दें। अरे हमने कहा आपके बोटी बोटी ना कर दें। बात कर रहे हैं आप? बच्चे कितने हैं आपके? ये बच्चों के मामले में हम डिफॉल्टर नहीं है, हमारा पूरा 5 बच्चा है। अच्छा चले, आपका मूड चेंज करते, ये बताइए कि गुलोकारा आपको कौन सी पसंद है? उसका एक तो है ना वो साजिया खुश्क और एक फरिया परवेज, वो दोनों हमको बहुत पसंद है भाई। अच्छा, मेल सिंगर में कौन पसंद है आपको? कि मेल सिंगर में हमने देखा ज्यादातर गंजा कहे को होते हैं भाई। अरे क्या गंजा होने से आवाज ठीक हो जाता है? गाता भी बहुत चिल्ला चिल्ला के गाता, अल्लाह माफ करे। एक मिनट मेरा, हेलो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा है कि हमको ये इलेक्ट्रिक में अपना कोई रिश्तेदारी निकालना पड़ेगी, हम तो मुश्किल में आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं भाई, ठीक है अब हम जाते हैं।